आज हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सर्वनाम, ठीक है, इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम, सर्व जोड़ नाम, इंग्लिश में प्रो प्लस नाम इज इक्वल टू सर्वनाम। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, तो चलते हैं सबसे पहले सर्वनाम। सबसे पहला क्वेश्चन है सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो बहुत आसान है, संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा नाम को संज्ञा कहते हैं। ये नाउन इज ए नेमिंग वर्ब, यानी कि नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। कोई भी नाम, जैसे राम, मोहन, पटना, दिल्ली, ठीक है, मार्कर, ठीक है, कुछ भी है, इनको हम लोग बोलेंगे संज्ञा, ठीक है, नाम होना चाहिए, ठीक है। तो नाम के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, यानी कि आने वाले, ठीक है, प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है, यानी कि नाम के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। बहुत आसान है, जैसे मैं, ये हमारा जैसे है, जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह इत्यादि, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ये सभी नाम के बदले में आते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूं, या एक मैं पढ़ाता हूं, तो मैं, मेरा नाम के बदले में क्या आया? मैं, तो मैं क्या है? सर्वनाम। तुम लोग पढ़ते हो, तो तुम लोग का, सभी का नाम के बदले में क्या आ गया? सभी के नाम के बदले में क्या आया? तुम लोग, तो तुम लोग क्या है? सर्वनाम, ठीक है। एक उदाहरण हमने लिया पर, उदाहरण, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, वह बाजार जा रहा है। कौन बाजार जा रहा है? राम, राइट नाउ, राम बाजार जा रहा है। तो राम की जगह अबकी बार हमने क्या लिखे? वह बाजार जा रहा है, उसका भाई लक्ष्मण है। तो किसका भाई? राम का भाई, राम का भाई। तो एक बार हमने राम की जगह वह लगाए, दूसरा बार उसका लगाए, ठीक है। तो वह और उसका, ठीक है, ये दोनों क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि ये दोनों नाम के बदले में आ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ हम सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे ठीक है, राम एक लड़का है, राम बाजार जा रहा है, राम का भाई लक्ष्मण है, राम दशरथ के पुत्र थे। तो ऐसे सेंटेंस हम लोग यदि बात करते, तो बार बार ये राम राम क्या रिपीट हो रहा है, सेंटेंस को सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो बार बार कोई भी नाम लेकर के नहीं बोलते, उसके लिए प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। नीचे लिखे हैं पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, तो पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति बोले तो जो पुनः बार बार, जैसे हमने अभी लिखे थे बार बार, मतलब राम राम, ठीक है, बार बार ये रिपीट हो रहा है राम राम, तो इसी को दूर करने के लिए हम लोग प्रोनाउन को पढ़ते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। और ये सर्वनाम, ठीक है, पुनरुक्ति को दूर करने के लिए, बार बार जैसे राम पढ़ता है, राम खाते, तो ये बार बार राम राम को ही दूर करने के लिए, यानी कि एक बार ही राम बोलेंगे, अर्थात हर बार राम की जगह कुछ स्पेशल सर्वनाम का उपयोग करेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही हम लोग सर्वनाम का उपयोग करेंगे, ठीक है, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम कितने प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, यानी कि सर्वनाम जो होता है वह 6 प्रकार का होता है। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, नीतवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं यह 6 प्रकार, यानी 6 का भी परिभाषा एक एक करके जानेंगे हम लोग, और इनको बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, यहां पर सबसे पहले पुरुष की बातें हो रहे हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जिस वस्तु से
जिस वस्तु से किसी वक्ता, वक्ता किसको बोलेंगे, वक्ता किसे बोलेंगे, वक्ता यानी कि कहने वाले को वक्ता बोलते हैं, राइट। जो कुछ बोल जैसे अभी हम कह रहे हैं ना, तो मैं अभी वक्ता हूँ। नेक्स्ट है श्रोता, श्रोता जैसे तुम लोग अभी सुन रहे हो तो आप लोग श्रोता बन गए। और जिनके विषय में बातचीत की जा रही है का बोध हो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, पुरुषवाचक, ठीक है, जिसके बारे में बातचीत हो रहा है। जैसे मान लेते हैं अभी राम यहाँ पर नहीं है, राम कहीं और है, राम के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, राम चाणक है, राम ईमानदार है, राम का भाई लक्ष्मण है, ठीक है, तो राम यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे में राम क्या है, यहाँ नहीं है, क्योंकि राम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इस वजह से राम जो है वह जिनके विषय में बातचीत की जा रही है, तो यहाँ पर राम के बदले में जो भी आने वाले शब्द है वह शब्द कहलाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार का होता है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोले तो वक्ता, जिसे हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं अंग्रेजी में, उत्तम पुरुष, ठीक है, यानी कि पहला पुरुष वक्ता, यानी कि बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, जैसे मैं अभी फर्स्ट पुरुष खुद, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन में जैसे मैं हम लोग बोल सकते हैं, मैं, हम, ये सभी उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला, श्रोता, श्रोता बोले तो सुनने वाले, श्रोता बोले तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे अभी तुम लोग सुनने वाला तो तुम लोग अभी हो श्रोता, ठीक है, पर मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता, आप लोग श्रोता। अन्य पुरुष और जिनके बारे में, अभी राम के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो राम क्या था, राम जो है वो अन्य पुरुष है, जिसके संबंध में कहा जाए, जिनके संबंध में कहा जाए वह अन्य पुरुष कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि सर्वनाम का दूसरा में निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय, निश्चित ही रहेगा, निश्चय नाम में ही छिपा हुआ है, सभी का डिप्रेशन नाम में ही छिपा हुआ है, वाचक सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित एकदम खास होना ही है, व्यक्ति, व्यक्ति या फिर वस्तु या भाव का बोध हो, ठीक है, निश्चित, मान लेते हैं एग्जाम्पल यह गाय मेरी है, अब यहां बोल दिए यह गाय मेरी है, तो यह सेंटेंस, यहां कहीं गाय रहेगा तो मैं गाय, जहां गाय रहेगा मान लेते हैं वहां एक गाय है, अब उनको बोल गए यह गाय मेरी है, ठीक है, तो निश्चित वहां गाय है, ठीक है, इस वजह से ये हुआ निश्चित, यानी कि निश्चय वाचक सर्वनाम। वह बाजार जा रही है तो वह बाजार जा रही है, तो इशारा करेंगे ना, नहीं तो ऐसे खड़ा होकर थोड़े ना बोलेंगे कि वह बाजार जा रही है, नहीं, वह बाजार जा रही है, ठीक है, या तो किसी के संबंध, जैसे सीता, सीता के बारे में बोलेंगे वह बाजार जा रही है, किसी के संबंध में कर है ना, किसी के निश्चय, सीता वहां निश्चित है, इस वजह से हमने सीता के बारे में। अगला है ये लड़के, देखो ये लड़के मतलब आप लोग, मतलब ये लड़के स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो इशारा कि ये लड़के स्कूल जा रहे हैं, ऐसे जगह पर, यानी ये लड़के जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये लड़के स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग आ गए, यानी कि यहाँ पर इशारा हमने की, तो ये क्या है, यह है निश्चय। चलते हैं नेक्स्ट है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अभी हम लोगों ने पिछला पीछे पड़े हैं निश्चय वाचक सर्वनाम, वहां पर हमने देखे कि निश्चित कोई व्यक्ति था ना था, चलो ठीक है, इशारा करके बोल रहे थे वह स्कूल जा रहा है, ठीक है, वह लड़का ईमानदार है, अभी हम लोगों ने इशारा करके बोल रहे थे, ठीक है, और निश्चित कोई ना कोई जरूर था, लेकिन यहां पर है जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव आदि का बोध ना हो, यानी कि यहां पर बोध नहीं होगा किसी निश्चित, ठीक है, एग्जाम्पल कोई आया, अब बताओ कोई आया, अब कौन आया, निश्चित है क्या, कोई भी आया, राम श्याम मोहन कोई भी आया हो, गरीब भिखारी कोई आया हो, ठीक है, कोई भी आया हो, कुछ होगा, अब पता नहीं कुछ होगा, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है ये सभी,
ठीक है, कुछ ले लो और कुछ क्या ले लो, अनिश्चित है ना। ठीक है, यहां पर अनिश्चित का बात हो रहा है, इस वजह से इनको बोलते हैं अनिश्चित। ठीक है, जैसे में कोई कुछ कुछ, ठीक है, ये सभी अनिश्चित या निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध, ठीक है, नाम में ही छिपा हुआ है संबंध, जरूर कुछ संबंध है। ठीक है, संबंध, इसमें संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, के बीच में, ये दोनों के बीच में संबंध, ठीक है, संबंध बोले तो जोड़ना, ठीक है, जुटा हुआ रहता है, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो जागा सो पाया, तो यहां पर जो जो है संबंध जोड़ा, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, तो जिसकी ने क्या किया यहां पर संबंध को जोड़ा लाठी और भैंस ने, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस वाले की संबंध को जोड़ने वाले को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है नीज वाचक, नीज, नीज मतलब होता है नजदीकियां, स्वयं को, ठीक है, नजदीकी, जैसे अनिकेत में है इससे नीज या स्वयं का बोध होता है, स्वयं बोले तो खुद का बोध होता है, जैसे मैं अपने आप को देखता हूं, आप बोलेगा मैं तो, हमने अभी पढ़े मैं जो होते हैं वह तो पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, मैं खुद के लिए, ठीक है, इसलिए मैं तो पुरुषवाचक होना चाहिए, बट नहीं, यहां खुद की यदि बातें हो खुद पर, ठीक है, खुद पर बीते तो उसे स्वयं, नीज आ या स्वयं, ठीक है, का बोध होता है, तो यह खुद की बात बोले ना नीज, तो हम इनको बोलेंगे नीज वाचक सर्वनाम। मैं अपने आप को देखता हूं, मैं अपने आप को देखता हूं, ठीक है, तो अपने आप को देखता हूं, तो यहां नीज की बात हो रहा है, तुम स्वयं अच्छा हो, यानी कि तुम खुद देखो हो रहे ना, खुद यानी कि तुम स्वयं अच्छे हो, ठीक है, तुम्हें पर भी यानी कि तुम्हें आप पर जो है वहां पर भी खुद की बातें ही हो रहा है, इसलिए तुम स्वयं अच्छा हो, तो यह क्या होगा नीजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये तो बहुत आसान है, प्रश्न पूछेगा, इससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, बिल्कुल आसान है ये, इनमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वह कौन है, वह कौन है, तो प्रश्न पूछा ना, और एक ही प्रश्नवाचक में हमेशा प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहेगा, ठीक है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ रहेगा, तो समझ जाना है कि यह प्रश्न पूछ रहा है, तो ये जो सेंटेंसेस है वह प्रश्नवाचक चिन्ह है, बिल्कुल आसान है। तो उम्मीद है कि आप लोग सर्वनाम जो है वह बेहद ही बढ़िया ढंग से समझ